प्रदेश की मोहन सरकार की तरफ से महीने भर के लिए राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया है। 30 अगस्त तक चलने वाले महाअभियान के जरिए जमीनों के विवाद सुलझाए जाने हैं, लेकिन इस मामले में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा अपने अधिकारियों से खुश नजर नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी काम के लिए निष्ठा होना जरूरी है, जो अधिकारियों में नहीं दिखती है। वहीं लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह प्रदेश की महिलाओं के लिए अच्छी बात है, उन्हें सरकार सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, इसलिए रक्षाबंधन पर सरकार उन्हें अलग से 250 रुपए दे रही है। इन सभी मुद्दों पर राजस्व मंत्री से बात की स्वराज एक्सप्रेस के भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। प्रदेश सरकार की ओर से एक महीने के लिए राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया है और इस राजस्व महाअभियान के में जमीन से जुड़े सभी मामलों को सुलझाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, अभियान तो बहुत अच्छा आप लोगों ने शुरू किया है और लेकिन इसके बाद भी हम जिस प्रकार से भी अब गति लगातार बढ़ती जा रही, दिन बीतते चले जा रहे हैं, महीने भर का ये सफर है, तो कहीं ना कहीं शिकायतें भी दिख रही हैं। देखो, छोटा मोटा हो सकता है, बाकी सभी कलेक्टर कमिश्नर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे तहसीलदार भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि समय सीमा में काम हो, और मैं हर जिले में जा भी रहा हूँ, मेरा प्रवास भी हो रहा है, वो सबसे चर्चा भी हो रही है कि हमने नीति बना दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियम बना दिए हैं, आपकी नीयत ठीक करी है। मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत है उसकी नीयत। एक आखिरी सवाल, आपकी सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना से जुड़ा है लाडली बहना में, जो अभी 250 रुपये अलग से देने का मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन में उपहार की बात कही, लोग ये कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची कर रही सरकार। अब लोग कौन कह रहे हैं, कौन लोग कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची, जनता की सेवा करना, महिला है उनको बहना का नाम दिया है, आज तक के इतिहास में कभी उनको एक रुपये नहीं दिए किसी ने नहीं दिए, पहली बार महिला का सम्मान हो रहा है, 1250 रुपये दे रहे हैं, रक्षाबंधन पे 250 शगुन के दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा काम, सब प्रशंसा करते हैं। मैं समझता हूँ कोई आदमी विरोध नहीं करता इसका, ऐसे आप कह रहे कोई विरोध कर, मैं नहीं मानता कोई विरोध करता, कोई राजनीतिक दल भी विरोध नहीं करता, अच्छी बात है, पहली बार हुआ है, पहली बार किसानों को पैसा मिल रहा है किसान सम्मान निधि का, पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी निःशुल्क गेहूं का वितरण कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कर रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, रोटी के लिए गेहूं दे रहे हैं, और गेहूं को किसान का या कपड़े के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, मकान बना ही रहे हैं, इससे अच्छी सरकार क्या हो सकती है। आपने कभी कल्पना की थी कि एक हिंदुस्तान एक दिन ऐसा होगा? लोग मोदी से, हर व्यक्ति, मैं तो सब राजनीतिक दलों के पास बैठता हूँ, अच्छे लोग हैं सब में, वो कहते हाँ यार है, देश का प्रधानमंत्री तो है, लोकप्रियता तो है पूरे विश्व में, पर लोग उनसे श्रद्धा भी रखते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनको पर विश्वास करते हैं, अच्छे लोग हैं। तो ये थे मंत्री करण सिंह वर्मा जी, जिनका ये कहना है कि राजस्व महाअभियान चलाया गया है, प्रदेश सरकार की निष्ठा यही है कि किसानों को किसी भी प्रकार से दिक्कतें ना हो, 15-20 दिन के अंदर उनका नामांतरण भी हो और जमीन से संबंधित जो भी मामले हैं उसका जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।